जबरदस्त लेवलिंग का काम हो रहा है। ये दूसरा ट्रक आया है जो कि अभी ये खाद डाल रहा है यहाँ पर, और शेड भी पीछे कर दिया है इन्होंने, बिल्कुल हमारे बैकयार्ड के सेकंड हाउस है जो नेबर है उसकी दीवार के साथ लगा दिया ये शेड। छह अफराद पर मुश्तमिल है ये पूरी टीम, और तकरीबन दो ट्रक आए हैं ये, क्योंकि यहाँ गार्बेज जितना भी कचरा वचरा है वो भी ये नहीं ट्रक पे लेके जाएंगे। ये गार्बेज ले जाना भी तो यहाँ एक बड़ा इशू होता है। लैंडस्केपिंग वाला जो है हमारे बेटे का दोस्त है, और बड़ा अच्छा इसकी रेपुटेशन है, बहुत अच्छा काम करता है, तो इसको यहाँ बुलाया था उसके लिए। तो जो सबसे पहले नजर आ रहे हैं ये आप, ये है शेड जो है इसके ऊपर रखा जाएगा, और यहाँ पे जो है सब्जी फ्रूट वगैरह वेजिटेबल वगैरह यहाँ पे उगाए जाएंगे यहाँ पे। और ये कोने पे जो आप देख रहे हैं बड़े प्लांट जो है ये अंगूर के हैं, पहले यहाँ पे काफी थे यहाँ पे मिर्चे टमाटर सब चीजें। ये सब लेवल हो जाएगा पूरा, ऊपर से अगर हम ये देखें अपना बैकयार्ड को तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त हो गया है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, बराबर हो गया एकदम, और खाद भी पूरे में डाल दी गई है, बहुत फ्रेश और जबरदस्त। इसमें अब यहाँ उस जगह पे क्यारियां बना रहे हैं ताकि वहाँ पे सब्जियां वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह उगाए जाएं और ग्रो किए जा सके, तो पोर्शन वहाँ बनाए जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी वहाँ टमाटर मिर्च और दीगर चीजों के वहाँ सब्जियों के थे वहाँ पे प्लांट, क्योंकि अभी नई खाद डाली है तो, और अब मौसम भी सर्द हो गया है तो न्यू जर्सी में तो सर्द मौसम में और बारिशों में तो यहाँ प्लांट ग्रो नहीं करते, तो जैसे ही गर्मी आएंगी तो वहाँ हम इसको बीज वगैरह डालेंगे और सब चीज़ें यहाँ उगाएंगे हम यहाँ। बहरहाल वहाँ पे अंगूर का जो है प्लांट वो तो अभी तक लगे हुए हैं, और उसको हमने पहले ही कह दिया था कि भाई ये ग्रास कटिंग में वो कहीं कट ना जाए, तो खैर वो तो कटे नहीं है। पम्पकिन के भी थे और तरबूज के भी थे वहाँ पे प्लांट वगैरह, अब तो माशाल्लाह बहुत अच्छे और चीजें भी लगाएंगे बहुत सारी यहाँ पे, कितनी सब्जियां फ्रूट वगैरह सब लगाएंगे इंशाल्लाह। ये वाला पोर्शन में वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह यहाँ ग्रो किए जाएंगे। अभी देखें ये यहाँ पे गाजर वगैरह भी जो ये खा रहे हैं पहले या उगी हुई थी जो, ये देखिए गाजर जो खा रहे हैं। डू यू शो मी कैरेट? गुड, वेरी गुड।
बीज फास फास डालना है एकदम, इसके बाद ये रोल घूमने पे बीज तो दब जाएंगे ना, करा दब जाएंगे तो ये खोदना रहा ना इसको। अच्छा ये साथ में घूम रहा था कि बीज चलेगी लगे और चले जाए। अच्छा वो पोर्शन में जहाँ पे वो प्लांट लगने ना वहाँ वो मकसद है कि बीज नहीं डलेंगे ताकि वहां घास ना होगी ना वो जगह पे, वो आखिरी वाले पोर्शन में। पूरा कंप्लीट काम कर रहे हैं, बीच बीच सारा आज ही कंप्लीट कर दिया सर। हाँ छह छह आदमी लगे हुए लाजमी तो वो जो हमारी मट्टी जो भरी हुई थी ना वो लेके आ रहा है शायद, या पानी है क्या वो जो हमारी मट्टी नहीं थी वो डालेंगे। देखे यहाँ नहीं, ये तो बीज है इसके अंदर ना, वो जो लाया उठा के ना वजनी। मम्मी क्या कर रही, इतना सारा खोद रहे, कुछ समझ नहीं आ रही। वो पोर्शन अपने फ्रूट वेजिटेबल और ये वो वाली जगह का बना रहे हैं आखिरी वाला जो है ना पोर्शन। नहीं मैं कह रहा हूँ इतना खड्डे क्यों कर रहे, इतना बड़ा खड्डा।